फाइनली दोस्तों, काफी लंबे इंतजार के बाद वन प्लस नोट 2 की Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की ऑफर रिवील्ड हो चुकी है। अब इस फोन को बैंक डिस्काउंट के साथ 28,499 रुपए में बाय कर सकते हैं, और अगर आप अपने पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करते हो वन प्लस नोट 2 के साथ तो ये फोन आपको 21,000 से 22,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड हैं तो मैं मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन आपके साथ शेयर कर देता हूं, क्योंकि मैं इस फोन को काफी लंबे टाइम से एज अ डेली ड्राइवर यूज कर रहा हूं। तो वीडियो को लाइक करके शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस फोन के अंदर 200 ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं। पहले आप सुनिए, फिर मैं आपको इसका रिजल्ट बताता हूं। तो यहां पर दोस्तों, इस फोन की साउंड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, लाउड के साथ क्लियर भी है, वन ऑफ द बेस्ट ड्यूअल स्पीकर आप इसे बोल सकते हैं। साथ ही साथ ये एक 5G स्मार्टफोन है, नाम का नहीं काम का 5G स्मार्टफोन है। पूरे 7 5G बैंड वन प्लस ने इस फोन में ऑफर किए हैं। अब तक जितने भी वन प्लस के 5G स्मार्टफोन हैं, उसमें से सबसे ज्यादा 5G बैंड इस फोन में आपको देखने को मिलेंगे, जो काफी अच्छी चीज है। साथ ही साथ इस फोन में UFS 3.1 का स्टोरेज का टाइप, जिसकी रीड और राइट स्पीड यहां पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा LPDDR4X रैम। मैंने इस फोन में कुछ एप्लीकेशंस को ओपन किया जो काफी क्विक तरीके से ओपन हो जाती हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज, हैप्टिक्स। जैसे ही आप इस फोन को सेटअप करोगे तो आपको फील हो जाएगा इस फोन के हैप्टिक्स वन ऑफ द बेस्ट हैं। ये सारी बातें हो गई बेसिक्स की, अब आते हैं डिस्प्ले की तरफ। यहाँ पर आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी, सुपर एमोलेड पैनल प्लस 90Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट एंड HDR10 प्लस का सपोर्ट। अब यहाँ पर मुझे एक कमी लगी, 90Hz की जगह पर 120Hz का रिफ्रेश रेट होता तो एक अपग्रेड माना जा सकता था, लेकिन 90Hz रिफ्रेश रेट भी इस फोन में काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर लेता है। बेजल की बात करें तो एवरेज बेजल है, प्राइस और फोन के फीचर्स को देखते हुए जस्टिफाई है, और पंच होल भी छोटा है। जब इस फोन की डिस्प्ले के अंदर आप कोई भी कॉन्टेंट देखोगे तो कलर्स और डिटेल में कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। ये हो गई डिस्प्ले की बात, अब मूव करते हैं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की तरफ। आप खुद देख सकते हैं इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर किस तरीके से परफॉर्म करता है। डे टू डे लाइफ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर जाता है। अब आते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस की तरफ, जो किसी भी स्मार्टफोन का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 चिपसेट इस फोन में ऑफर किया गया है। ऑलरेडी ये चिपसेट हम काफी सारे स्मार्टफोन में देख चुके हैं। सबसे पहले नॉर्मल यूसेज की बात करूं तो अभी तक मुझे इस फोन में कोई भी लैग और स्टटर देखने को नहीं मिला, जैसे कि एप्लीकेशन को ओपन करना, एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पर जंप करना, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मैंने जब इसका एंटूटू स्कोर टेस्ट किया तो मुझे देखने को मिला 5,64,000 के आसपास इसका एंटूटू स्कोर है, जो आप खुद भी देख सकते हैं। CPU थ्रॉटल टेस्ट की बात करूं तो 75% इसका CPU परफॉर्म करता है, तो इन चीजों में मुझे कोई भी कमी नहीं लगी। फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस आपको इस फोन से देखने को मिल जाएगी। BGMI की बात करें तो इस फोन में आपको जो सेटिंग मिलते हैं स्मूथ और एक्सट्रीम, साथ ही साथ यहां पर HDR और अल्ट्रा का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। स्मूथ और एक्सट्रीम पर कांस्टेंट 50-60 FPS, HDR और अल्ट्रा में 38-45 FPS। अब दोस्तों आते हैं बैटरी कैपेसिटी की तरफ, तो इस फोन में 4,500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, और जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो है 5 घंटे और 50 मिनट, यानी कि आप मान सकते हैं एक दिन का बैटरी बैकअप आपको आराम से मिल जाएगा मिक्स यूसेज में। चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो इस फोन में 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग ऑफर की गई है, जो इस फोन को 0-100% 33 मिनट में फुल चार्ज कर देगा, और 0-50% सिर्फ 13 मिनट में। ओवरऑल चार्जिंग को लेकर आपको इस फोन से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों आते हैं यूजर इंटरफेस की तरफ, ब्लॉटवेयर फ्री एक्सपीरियंस आप इसे बोल सकते हैं। अननेसेसरी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, स्टॉक एंड्रॉइड के बाद ऑक्सीजन OS सबसे ज्यादा ब्लॉटवेयर फ्री है। बाकी के जितने भी यूजर इंटरफेस आते हैं उसके अंदर आपको ब्लॉटवेयर और एड देखने को मिलती है, लेकिन ऑक्सीजन OS में आपको ब्लॉटवेयर और एड देखने को नहीं मिलती, तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो मैं आपको कुछ कैमरा सैंपल दिखा देता हूं। इमेज क्वालिटी आप देख सकते हैं, काफी हद तक इमेज क्वालिटी इंप्रूव कर दी गई है अगर इसे हम कंपेयर करते हैं वन प्लस नोट से।
दूसरी इम्पोर्टेंट चीज, ब्लर बैकग्राउंड के साथ आप वीडियो को भी शूट कर सकते हैं। ये चार्जर को संभल के यूज करना क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉस्टली है। इसकी प्राइस 2000 रुपए है। अब इस फोन का फर्स्ट लुक देख लीजिए ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिल सके ये फोन लुक और डिजाइन वाइज कैसा है। इस फोन के फ्रंट साइड एज वेल रियर साइड दोनों ही तरफ गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन देखने को मिलेगी, जो कि काफी सही चीज है। पहली नजर में ये फोन मुझे काफी ज्यादा लाइटवेट और कॉम्पैक्ट साइज का डिवाइस लगा। दूसरी चीज, फोन की इन हैंड फीलिंग काफी ज्यादा प्रीमियम है, लेकिन इस फोन के साथ जैसे ही मैंने बैक केस लगाया तो इसकी प्रीमियमनेस खत्म हो गई। लेकिन आप फोन को बैक केस लगाकर ही यूज करना क्योंकि दिल और शीशा कभी भी टूट सकता है, उसका कोई भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता है। फोन के बॉटम साइड पर सी टाइप पोर्ट, स्पीकर ग्रिल, सिम ट्रे और प्राइमरी माइक्रोफोन। सिम ट्रे के अंदर आप ड्यूअल सिम लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फोन के राइट हैंड साइड पर पावर ऑन ऑफ की और अलर्ट स्लाइडर की प्लेसमेंट की गई है, जिसकी मदद से आप साउंड प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं। फोन के लेफ्ट साइड पर वॉल्यूम रॉकर बटन और टॉप साइड पर सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक। रियर साइड का जो कैमरा मॉड्यूल है वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है, जिसके अंदर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर, जो सिर्फ नाम का है, मेरे लिए काम का बिल्कुल भी नहीं। LED फ्लैश लाइट और सेंटर में वन प्लस की ब्रांडिंग। इसके अंदर 3.5mm ऑडियो जैक नहीं है। इस फोन को लेकर आपके मन में जो भी सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं आपको मिलता हूं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।